आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ जहां गठबंधन मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 19 जनवरी को कोलकाता में होने वाली ममता बनर्जी की रैली में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। टीएमसी प्रमुख की इस रैली के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा गया है। इस रैली में कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। इस रैली को विपक्षी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। ममता ने इस रैली के लिए यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी आमंत्रित किया है। हालांकि करीब एक महीने तक इंतजार करवाने के बाद उन्होंने भी रैली में शामिल होने में असमर्थता जाहिर कर दी है। वहीं मायावती ने अभी तक ममता बनर्जी के निमंत्रण का जवाब नहीं दिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट नहीं चाहती कि कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करे। इसी वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने रैली में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। इस बीच बनर्जी ने दावा किया कि विपक्ष की उनकी रैली में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के गैर बीजेपी नेता शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि ये पूर्वी भारत में 4 दशकों की सबसे बड़ी जनसभा होगी। इस रैली के लिए टीएमसी ने तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल सेक्युलर, आम आदमी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीएमके को निमंत्रण भेजा है। ममता ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेता पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा, कर्नाटक सीएम एचडी कुमार स्वामी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, सपा चीफ अखिलेश यादव, एनसीपी चीफ शरद यादव, एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला सभी इसमें शामिल होंगे।